अरे ये क्या भाई, ये तो अलग ही साउंड कर रही है। तो सच बता रहा हूँ, वन ऑफ माय मतलब फेवरेट बाइक में आया करता है। तो मेरा मन था भाई पहले NS 200 ही लेने का, बहुत पहले जब इसमें। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। एंड आज अपन चलने वाले भाई अपनी वैम की सर्विस कराने। जैसा कि भाई इतने दिन से सोच रहे थे आज टाइम निकालेंगे और जाएंगे सर्विस कराने, तो फाइनली आज जा रहे सर्विस कराएंगे। एंड साथ ही साथ और भी कुछ कुछ काम है, वो सारा कुछ कराना। फिलहाल भाई आप देख सकते हो भाई, ये हमने हुस्क्वर्ना वाला कैप पहन रखा है। ये शायद आपने देखा होगा जब अपन गए थे पुणे हुस्क्वर्ना के लॉन्च इवेंट पे, 401 का जो लॉन्च। ऑलराइट गाइस, तो अभी आ चुके हैं बाइक के ऊपर। एंड भाई आज का दिन काफ़ी अच्छा है, देख सकते हो पूरा सनी डे प्रॉपर। और भाई स्कूल का लग रहा है, छुट्टी वुट्टी हुआ है भाई, स्कूल के दिन याद आ गए ये देखकर यार। भाई जो भी कह लो, स्कूल लाइफ वॉज द बेस्ट, उसका कोई टक्कर ही नहीं होता भाई। मतलब किसी चीज़ का टेंशन नहीं, बस होमवर्क बनाओ, स्कूल जाओ और कोई टेंशन नहीं, ना पैसे कमाने की टेंशन, ना कोई चीज़ का टेंशन। अभी का जो लाइफ है भाई, मतलब हर टाइम ना हर लाइफ अच्छा नहीं लगता है। जब आप जो जिस चीज़ को जी रहे होते हो ना, आपको लगेगा कि भाई नहीं नहीं स्कूल लाइफ अच्छा था। जब स्कूल लाइफ था तो लग रहा था कि नहीं नहीं अभी का जो लाइफ हम लोग जी रहे हैं वो अच्छा होगा। तो भाई आपको ना सेटलमेंट कर लेना चाहिए अपने आप से, जब जैसे रहो बस अपने आप को खुश रखा करो। तो फिलहाल अभी चल रहे हैं यामाहा के सर्विस सेंटर पर, जहाँ पर भाई हमने अपने वैम्प को खोया था। देखो पॉइंट ये है ना कि मैं वहीं पे खड़े होकर सर्विस करा लेता हूँ, इसलिए भाई मैंने सोचा था जब टाइम रहेगा ना अपने पास तभी मैं जाऊँगा सर्विस कराने, वरना तो बाइक लगाकर भाई सर्विस कभी भी करा सकता था। आज का दिन इतना अच्छा हुआ है ना भाई, लग रहा है मतलब अभी ना कहीं राइड पे निकल जाओ, ऐसा मन कर रहा है भाई ऐसा वेदर देख के। एंड दिस इज़ द बेस्ट टाइम भाई, सच बता रहा हूँ, जब ठंड खत्म होती है ना और गर्मी आने से पहले ये जो वेदर होता है ना भाई, इस टाइम सबसे ज़्यादा मज़ा आता है राइड करने में। लेकिन भाई ये शाम होते होते तो ठंडी लगने लगती है भाई, तो आपको अपना ना प्रिकॉशन पूरा लेकर चलना पड़ेगा पहले से। और भाई हर तरफ कैमरे लग चुके हैं, हर तरफ ये चेक करो। पहले भाई इतने कैमरे नहीं हुए करते थे, मतलब पहले तो कैमरे नहीं हुए करते थे, अब तो हर तरफ एक्टिव है पूरे के पूरे। तो भाई बिना हेलमेट का तो गलती से भी मत निकलना, वरना सीधा कैमरे से ही चलान कट जाना है आपका। और ये 24/7 एक्टिव रहते हैं। बहुत लोग ये सोचते हैं ना कि रात को शायद बंद हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। मेरे फ्रेंड का ना रात के 12:30 बजे चलान कटा है, तो आप ये समझ लेना कि वो 24 आवर्स चालू है। बस आपकी किस्मत है कि किस्मत अच्छी रही तो बच जाओगे, अगर किस्मत ख़राब है तो भाई कटेगा ही कटेगा। लास्ट टाइम यहाँ पे आया था जब मैंने ओला का शूट किया था, ओला का यहाँ पे देख सकते हो भाई सेंटर होगा, एक्सपीरियंस सेंटर यहीं कहीं पे था आई गेस। तो वहाँ पे जब मैंने शूट किया था ना, उसी टाइम लास्ट टाइम इधर आया था, उससे पहले भाई मुझे याद भी नहीं है। सर्विस सेंटर ना बहुत पास में, ज़्यादा दूर नहीं है, इससे एक फ़ायदा हो जाता है ना भाई कि कभी भी आओ आराम से करा कर अपन आराम से घर जा सकते हैं। बाकी कुछ कुछ सर्विस सेंटर ना काफ़ी दूर होते हैं भाई, हमारे घर से तो भाई हर चीज़ पास में, कावासाकी पास में, यामाहा पास में है, KTM भी पास में है। तो जो जो बाइक हमने रखी है भाई, पर सर्विस सेंटर ना बिल्कुल पास में, मतलब 2-3 किलोमीटर के अंदर है सारा सर्विस सेंटर, तो कोई पंगा नहीं होता, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता सर्विस वगैरह कराने के लिए। आज सोच रहा हूँ मैं KTM को भी स्टार्ट करूँगा, काफ़ी दिन हो गए KTM को हमने स्टार्ट नहीं किया। भाई तो हमने अपना वैम डाल दिया सर्विस में, एंड अभी भाई बबलू भैया की बाइक लेकर निकल चुके हैं। अभी फ़िलहाल जा रहे हैं भाई, हमें जाना है यहाँ पे बजाज पे, जैसा मैंने बताया था, तो यामाहा को लेकर जा रहे हैं बजाज पे। ओ भाई ये क्या भाई, कैसे चला रहे ये लोग भाई, मतलब आगे से तो पूरा ख़त्म ही था गाड़ी। तो बाइक सर्विस भी हो जाएगी अपनी, एंड तब तक के लिए अपना ये जो काम है वो भी हो जाएगा, पहले पहुँचते हैं वहाँ पर देखते हैं भाई। तो चलो, अरे ये क्या भाई, ये तो अलग ही साउंड कर रही है। तो ये आ चुके हैं भाई बजाज। हेलो, ये रहा बजाज का आउटलेट। अभी मैं अंदर गया था भाई, यहाँ पे N160 जो न्यू वाली आई है ना भाई, उसका एक बार शॉर्ट एक रिव्यू मैं शूट कर रहा था, अगर वो आपको देखना है तो भाई आप जाकर चेक कर सकते हो भाई अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी पे मैंने एक छोटा सा रिव्यू कर दिया इसका बस। तो फिलहाल अभी चल रहे वापस से भाई अपनी वैम के पास भाई, स्टार्ट आई थिंक ये गियर में स्टार्ट नहीं होगा, ये देखो ये तो न्यूट्रल में भी नहीं हो रहा भाई। हाँ हो गया भाई, ऑल ऑफ सडन ना जब कभी दूसरा बाइक चलाओगे ना तो मतलब दिमाग ना थोड़ा काम नहीं करता। बाकी इसका एक बार ये चेक करो भाई, साउंड जो आ रहा ना भाई इसका बहुत ही अच्छा रहा है, सुनो भाई। दिस रिमाइंड्स मी R15 V2। लोग करते कहते ना उस टाइम पे, उसका एयर फिल्टर ना थोड़ा सा उसमें गैप करा देते थे, तो उस टाइम ना भाई ऐसा ही साउंड आ रहा था।
अभी भी अगर आप R15 V3 या R15 M में ना एयर फिल्टर में थोड़ा सा गैप करा दोगे ना, सेम वैसा ही साउंड आ रहा है। ये चेक करो, क्या साउंड आ रहा है भाई, मतलब खतरनाक बिल्कुल। गाइस तो फाइनली अपनी वैम की हो चुकी है सर्विस। भाई सर्विस कराते ही ना मतलब बाइक का जो साउंड नोट होता है ना वो बिल्कुल एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सा हो जाता है। एंड ये चेक करो भाई, अभी चल रहे हैं भाई हम लोग, कहाँ जा रहे हैं बताते हैं आपको थोड़ी देर में, क्योंकि अभी ना एक दो प्लान है अपना, वो अगर सक्सेसफुली हो गया भाई तो आज आपको और भी मज़ा आने वाला है इस वीडियो के अंदर। कि अभी ना आज़म गया एक बाइक की डिलीवरी लेने, बाइक कौन सी होगी वो आपको मैं आगे बताऊँगा चल के। भाई बाइक का ना पूरा राइड फील ही चेंज हो जाता है सर्विस कराने के बाद। और आजकल ना वेदर ऐसा हो चुका है ना, मतलब धूप तो है साथ ही साथ बहुत तेज हवा चल रही है, वो भी ठंडी हवा, तो इससे ना बिल्कुल बच के रहने का, वरना तबीयत तुरंत ख़राब हो सकती है। चलो चलो जल्दी से पहुंचते हैं। अभी नया नया इंजन ऑयल है भाई, थोड़ा रहम कर देते इस बाइक के ऊपर यार, वरना पता चला बाइक, मेरे को ना थोड़ा सा पता नहीं क्यों चेन ना ड्राई लग रहा है, मेरे को लग रहा है लूप करना बाकी रह गया, लूप करना है एंड साथ ही साथ ब्रेक पैड भी इसका चेंज कराना, तो दोनों आज ही लगे हाथ करा लेते हैं। अभी आप सोचोगे कि भाई ब्रेक पैड हमने चेंज क्यों नहीं, अबे यार पूरा जाम लगा पड़ा आगे। अभी आप बोलोगे कि हमने ब्रेक पैड क्यों नहीं चेंज कराया, क्योंकि भाई हम इसमें ना सेरामिक ब्रेक पैड यूज़ करते हैं जो कि यहाँ पर नहीं मिलते हैं, तो अभी इसलिए सेरामिक ब्रेक पैड इसमें डालेंगे। अभी आज़म ने कॉल किया था भाई, उसने बताया कि डिलीवरी उसने ले ली है बाइक का, तो कौन सी बाइक होने वाली वो आपको मैं आगे चल के दिखाऊँगा, बस जल्दी से पहुँच जाते उसके पास पहले। हवा तो इतनी तेज़ चल रही है ना भाई, मतलब हर तरफ से बस विंड ब्लास्ट ही फील हो रहा है, वो भी क्रॉस विंड चल रही है ना, तो बहुत ही दिक्कत हो रहा है बाइक चलाने में। और इस टाइम पे ना हाई स्पीड पे भाई बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए, जब भी आपको क्रॉस स्पीड फील हो ना तो आप बाइक को ना अपने लिमिट में चलाया करो। तुम झूठ बोल रहे हो ना? झूठ बोल रहे हो भाई, एक नंबर का झूठा लड़का है। बधाई हो, मुबारक तुमको, नहीं भाई असली मालिक को मुबारक, मुबारक हो भाई तुमको, मुबारक देकर कोई फ़ायदा नहीं। देख लो भाई NS 200, वो भी भाई 2024 एडिशन है ना। चलो चलो चलते हैं, 5 किलोमीटर चला। तो भाई फाइनली अपने ग्रुप में एक NS 200 भी ऐड हो चुकी है भाई, वो भी एकदम लेटेस्ट वाली वर्जन जो है BS6 2024 एडिशन। किधर रह गया भाई, अभी ना वो बहुत स्लो स्लो चला रहा हूँ क्योंकि न्यू बाइक है ना, सर्विस से पहले बिल्कुल आराम आराम से चलाएगा। तो भाई आप सबको पता है नया बाइक लेने के बाद ना लोग थोड़ा मतलब अपने आप को ना कंट्रोल में कर लेते हैं, क्योंकि न्यू बाइक है यार, आराम से चलाएंगे, इंजन को हार्म नहीं करना। अब भाई ये सारा मिथ है भाई, मुझे जहाँ तक लगता है आप बाइक लो ऑलरेडी भाई कंपनी ना इतना ज़्यादा टेस्ट वगैरह हर चीज़ करके देते हैं, PDI डन होने के बाद ना सब ओके रिपोर्ट, आप आराम से बाइक को चला सकते हो। बहुत लोग ये कहते हैं कि सर्विस से पहले अगर आप बाइक को भगाओगे ना, मतलब फर्स्ट सर्विस से पहले अगर बाइक को भगाते हो तो आपकी माइलेज पर इफेक्ट आता है, फ्यूचर में माइलेज कम देगी, तो ये सब बस कहने वाली बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट ये सब सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है। देख रहे हो अभी नंबर प्लेट भी नहीं लगा बाइक के ऊपर। फिलहाल भाई अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, थोड़ा फोटोज वगैरह हमने क्लिक किया भाई। वैसे बधाई हो तुमको भी भाई, क्योंकि ग्रुप में ही है गाड़ी और हमेशा तेरे ही पास रहने वाला है। वो रहो भाई वो चेक कर लो, और भाई ये रही अपनी वैम, देख लो भाई अभी हम लोग शूट कर रहे थे थोड़ा, जो कि आपको इंस्टाग्राम पे ही देखने को मिलेगा, इसका शूट कर रहे थे, देख सकते हो जिसका हमने टायर लगाया ना अपने बाइक में, तो हमने थोड़ा बहुत सोचा ना कुछ फोटोज ले ले भाई फॉर इंस्टाग्राम। टाइम पे सच बता रहे भाई, मेरा मन था ना NS 200 लेने का, जब आपने कभी R15 नहीं लिया था उससे पहले, याद है मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि NS 200 ही लेना है। वर्थ इट तो बिल्कुल है भाई, मेरा मतलब सच बता रहा हूँ, वन ऑफ माय मतलब फेवरेट बाइक में आया करता है, तो मेरा मन था भाई पहले NS 200 ही लेने का, बहुत पहले जब इसमें ऑपरेटर बंद हुआ था और FI आने वाला था उस टाइम का बात है। तो अब देख सकते हो भाई आ चुका है, ग्रुप में आ चुका है भाई, और ये रही अपनी वैम, मतलब समझ लो कि अगर मैंने वो ले लिया होता ना तो कभी मैं R15 पे नहीं गया होता है कि नहीं, अलग चीज़ है बिल्कुल। तो फिलहाल अभी निकलते हैं यहाँ से, मिलते हैं आप लोगों से ऑन GoPro। एंड अभी हमने भाई राइज मोटो का ना कुछ यहाँ पे स्टिकर लगा, ये चेक कर सकते हो यहाँ पे, एंड उस तरफ हमने लगाया, आपको मैं दिखाता हूँ, एक यहाँ पे स्विंगम के ऊपर ये लगा दिया और एक हमने यहाँ पे लगा दिया, तो कुछ इतने सारे छोटे छोटे स्टिकर्स हमने लगाया बाइक को थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। अभी भाई फ़िलहाल अपन चल रहे और अभी हम लोग सीधा जाने वाले टूवर्ड श्याम ऑटो एसेसरीज, काफ़ी दिन के बाद ना बाइक को मतलब एकदम लिमिटर को हमने हिट कराया है, तो अभी चल रहे हैं वहाँ पे जाके, इसमें ना ब्रेक पैड चेंज कराना है, वो ज़रूरी चीज़ है, ब्रेक पैड चेंज करा देंगे, एंड चेन ना मुझे थोड़ा ड्राई लग रहा है तो ल्यूब वगैरह भी करा देंगे। वेदर देख रहे हो भाई, अचानक से ना ठंड बढ़ चुका है, देखो अभी थोड़ी देर पहले कितनी कड़ी धूप थी,
और तुरंत में भाई पूरा वेदर चेंज हो गया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी का जो टाइम है ना, इस टाइम सबसे ज़्यादा तबीयत ख़राब होता है। तो प्लीज़ गाइज आई रिक्वेस्ट टू ऑल, जब भी निकलो ना भाई विंटर लाइनर्स विंटर क्लोथ्स पहन के निकलो, तभी ज़्यादा बेटर रहेगा। भाई जल्दी जल्दी के चक्कर में ना मैंने ग्लव्स पहनना भूल के ग्लव्स बैग में ही रखा रह गया। चलो कोई नहीं, अब पहुँच जाते हैं, ज़्यादा दूर हमें जाना भी नहीं है, 2-3 किलोमीटर होगा हार्डली। बहुत ही जल्द मैं सोच रहा हूँ ना NS200 के साथ भी एक अच्छा सा स्ट्रीट रेस करेंगे, पहले उसकी सर्विस हो जाने देते हैं भाई, क्योंकि आप लोग का हमेशा से डिमांड रहा है भाई R15 vs NS, तो वो भी करेंगे बहुत ही जल्द। मज़ा भी काफ़ी आता ना, क्योंकि दोनों बिल्कुल टक्कर की बाइक है। NS200 होकर भी ना भाई मतलब R15 को ना कभी लगता है कि टक्कर नहीं दे पाता है, कभी कभी उसमें कमी रह जाती है टॉप एंड के टाइम पे। लेकिन भाई अपनी वैम तो कुछ भी कह लो, 155 cc होकर ना ये बाइक बिल्कुल रॉकेट है अपने सेगमेंट में। एंड आई कैन प्राउडली से दिस कि ये जो बाइक है ना अपने सेगमेंट की सबसे महंगी और सबसे फाइनेस्ट बाइक है। महंगी के साथ देखो, बहुत लोग ये बोलते हैं भाई महंगी है, इतनी महंगी 155 cc की, तो भाई सीसी छोटा भले ही है लेकिन भाई कितनी कैपेबल है ये बाइक, ये आपने देखे होंगे हमारे वीडियोस में। इस तो अपन फाइनली पहुंच चुके हैं भाई यहाँ पे, एंड यहाँ पे पहले देखना बाइक किधर लगाएंगे भाई, जगह बिल्कुल भी नहीं है भाई, यहीं कहीं लगा देते क्योंकि अभी कुछ कराना तो है नहीं, सिर्फ उसे ब्रेक पैड ही चेंज कराना। यहाँ लगाता हूँ बाइक को पहले भाई, मिल गया भाई ब्रेक पैड, ये सिरेमिक ब्रेक पैड जो हमें लगवाना है अपने वैम में भाई, इसीलिए ना हमने भाई सर्विस सेंटर में नहीं लगवाया था, ये वाला ही लगवाना था। और इसका प्राइस है समवेयर अराउंड 1300, ये चेक कर सकते हो भाई। पीछे का तो चेंज हो गया और अभी पता चला कि भाई आगे का भी अपना जो है वो घिस चुका है, आगे वाला भी चेंज करवा रहे हैं, ये देख लो ये भी आगे जा रहा है सिरेमिक ब्रेक पैड। और ये अभी हमने लिया चेन लूप भाई, ये बहुत ही अच्छा है, मतलब अभी तक ना मतलब मैंने 2-3 बार यूज़ किया, तीसरी बार लेके जा रहे हैं ना, अभी तक भी भाई काफ़ी अच्छा लगा ये प्रोडक्ट, मुझे अच्छा लगा भाई। फिलहाल देख सकते हो ये वाला भी लग जा रहा है, जल्दी जल्दी एकदम लेट नहीं करना भाई, तुम तुरंत कर देता भाई, एकदम तुरंत कर देता, 2 मिनट में अभी वापस आके बोलेगा हो गया। ये देखो ऑलमोस्ट घिस गए थे, थोड़े बहुत बचे हुए थे, लेकिन भाई आप सबको पता है इस पर ना रिस्क ले नहीं सकते, क्योंकि कभी भी हमें राइड वाइड पे निकलना पड़ जाता है, तो इसको करते हैं चेंज। गया कैसे भाई, मतलब इतना जल्दी कैसे लगा देता है? लगाने का सीमा होता है, कैसे लगाना सीमा होता है लग गया भाई, लग गया फिलहाल भाई, ये देखो इसको देखो। तो फिलहाल भाई हमारा जो काम था वो हो गया, अरे अरे, एंड अपने बाइक का जो भाई दोनों ब्रेक पैड था ना वो ऑलमोस्ट घिस चुका था भाई, ये देखो किसी ना किसी को गिरा के ही मानेगा। तो दोनों ब्रेक पैड चेंज हो चुका है भाई, मतलब जितना पैसा हमने सर्विस में नहीं लगाया ना उससे ज़्यादा ब्रेक पैड में लग गया, बट ये भी बहुत ज़रूरी था। चलो भाई आज ना दिन दिन में सारा काम हो गया। न्यू टायर्स के साथ ना ग्रिप भाई इतना तगड़ा मिल रहा ना, कॉर्नर्स पे फुल कॉन्फिडेंस आ रहा बाइक भगाने में। आज के वीडियो को ना अपन ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे, क्योंकि जो जो मेन काम था वो सारा कुछ हमने करा लिया ऑलमोस्ट। आज भाई शाम होने से पहले यहाँ पे ट्रैफिक लग गया है। अभी जैसे ब्रेक पैड नया लगता है ना तो थोड़ा सा ब्रेक बाइट ना कम हो जाता है, थोड़ा सा घिसने के बाद वो ठीक होता है। बहुत लोग क्या करते हैं ना मतलब थोड़ा सैंड पेपर से पहले ही घिस देते हैं, बट मेरे को भाई वैसा कुछ एकदम हार्ड को राइड तो करना नहीं है, तो अपना इतने में काम चल जा रहा है, इतना ब्रेक बाइट इज एनफ। भाई बाइक होने का ना सबसे बड़ा यही फायदा है, कितना भी ट्रैफिक हो कुछ भी हो आप आराम से ना भाई बाइक को निकाल लोगे, कार में तो पंगा हो जाता भाई। मेरा ना बहुत मन कर रहा है भाई ट्रैफिक फिल्ट्रेशन करने का, थोड़ा और ट्रैफिक मिले तो मज़ा आएगा। ये वाला रोड ना भाई मैं बहुत कम ही आता हूँ, क्योंकि हमेशा ना मैं ब्रिज के नीचे से चला जाता हूँ, इधर हमेशा रश रहता है।
तो गाइज आई होप आपको आज की ना ये वीडियो अच्छी लगी होगी। भाई बाइक का सर्विस हो गया, बाइक में ब्रेक पैड्स वगैरह जो भी डालने थे सब डाल गए, ल्यूब वगैरह जो हमने ले लिया वो स्प्रे कर लेंगे अभी घर पहुँच के। एंड स्पेशली भाई अभी बात आ रहा है एग्जॉस्ट का, तो भाई मैं सोच रहा हूँ कुछ टाइम कि मैं मतलब इसके एग्जॉस्ट भी चेंज कराने का, लेकिन भाई जब भी मैं कराऊंगा ना तो भाई कुछ ही दिन के लिए कराऊंगा, क्योंकि आप सबको पता है भाई वो एग्जॉस्ट ना इंजन को बहुत ज़्यादा हार्म करता है। तो कुछ टाइम के लिए चेंज कराऊंगा फॉर सम कॉन्टेंट्स, फॉर सम वीडियोज, दैट्स इट, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं इसका एग्जॉस्ट चेंज कराऊं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई कौन सा एग्जॉस्ट लगाऊं, किस टाइप का साउंड आपको चाहिए, मतलब बेसफुल चाहिए, लाउड चाहिए, जो भी आपको कमेंट करोगे वो मैं लगा लूँगा। तो वीडियो को एंड करते हैं भाई क्योंकि बहुत ज़्यादा है ट्रैफिक। मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राइड सेफ एंड राइड हार्ड।